तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, सिग्मा 1s, सिग्मा 1 स्टार 1s, सिग्मा 2s में इलेक्ट्रॉन कैसे डालना है। तो उसके लिए दो रूल पढ़ना है। पहला आपको पढ़ना है कि इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल उस मॉलिक्यूल के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं इन मॉलिक्यूल इज लेस देन इक्वल टू 14, मतलब 14 तक, 14 भी यूज करेंगे तब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों मॉलिक्यूल का, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर होगा, अब बाउस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, इन दोनों की एनर्जी बराबर है, सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग, देन सिग्मा स्टार 2pz। तो इसको आप जरूर नोट करें पहले इस ऑर्डर को, कि इसी ऑर्डर से हमें चलना है। वीडियो को यहीं पे पॉज कर लें, इस ऑर्डर को नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी करना हो डू इट। इसको फॉलो करना पड़ेगा और ये चीज लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां कोई एन प्लस एल रूल नहीं है एटॉमिक ऑर्बिटल जैसा कि हम डिटरमाइन कर लें एग्जाम में। तो ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी कब तक, 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन तक, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2s। तो इसको मैं साइड में ऊपर लिख लेता हूं कहीं, फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं साइड में यहां पे लिख लेता हूं सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो इसको फॉलो करेंगे। शुरू करते हैं, सबसे पहला मॉलिक्यूल लेते हैं H2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन एटम में एक, दूसरे में भी एक, दो इलेक्ट्रॉन। किस में जाएंगे, पहले वाले में। कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं एक ऑर्बिटल में, दो, तो सिग्मा 1s 2 बन गया, हो गया हाइड्रोजन का कहानी। चलो दूसरा ले लेते हैं, दूसरा मैंने ले लिया HE2। मान लेते हैं कभी हीलियम ने अपना मॉलिक्यूल बना लिया, ऑल्दो हीलियम नोबल गैस है, मान लेते हैं बना लिया, तो हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, चार, एक में दो, दो में चार। कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s 2 सिग्मा स्टार 1s2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन प्लस, ये क्या हुआ, हाइड्रोजन के दो एटम लिए, मॉलिक्यूल बना, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया, तो क्या बनेगा H2+, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन। H2+ मतलब इसी में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो यहीं से निकल जाएगा, तो बनेगा सिग्मा 1s1, ये बनेगा। तो इस तरह से आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो मॉलिक्यूल्स की, आगे बढ़ते जाएंगे। अब मैं यहां पे आपको बड़ी खास बात बताने जा रहा हूं बच्चों, खास बात यह है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। अब एक नई चीज हमको सीखनी है, बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2। नंबर ऑफ बॉन्ड्स पता लगाना है तो जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है माइनस जितने एंटी बॉन्डिंग में है डिवाइड बाई 2। जैसे यहां पे मैं बॉन्ड ऑर्डर पूछूं तो बॉन्डिंग में कितने हैं, दो, एंटी बॉन्डिंग है ही नहीं, जीरो, डिवाइड बाई 2 कितना, एक, मतलब एच और एच के बीच में कितना बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड। यहां पे बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग दो माइनस नंबर ऑफ इन एंटी बॉन्डिंग, दो, एंटी बॉन्डिंग में भी दो उसमें भी दो, डिवाइड बाई 2 कितने बॉन्ड, जीरो। HE2 में कितने बॉन्ड होते हैं, जीरो, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, बॉन्ड ही नहीं है, इट डू नॉट एग्जिस्ट। तो बढ़िया थ्योरी है, किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ जाता है तो समझ जाओ वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, या किसी का बॉन्ड ऑर्डर जितना छोटा आता है उतना वो कम स्टेबल, यानी किसी भी मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी होती है बच्चों वो बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करती है, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। जैसे H2+ की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग एक, एंटी बॉन्डिंग जीरो, डिवाइड बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर इज 1/2। अब मैं बोलूं इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता सकती, पर ये बता सकते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल वो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, यानी ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। अगर मैं इसको बोलूं स्टेबिलिटी में आप अरेंज करो, किस में अरेंज करो, स्टेबिलिटी में, स्टेबिलिटी में अरेंज करो, तो आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। आप बोलोगे सबसे ज्यादा हाइड्रोजन की, फिर बोलोगे H2+ की, और उसके बाद HE2 की। क्लियर है?
अभी तक तो क्लियर होगा. अब मैं आपको कंफ्यूज करने जा रहा हूँ, ध्यान रहे. अभी एनर्जी वाला डायग्राम बनाएंगे, कई लोग टेंशन आ गए वो एनर्जी वाला डायग्राम कब आएगा, वो लंबा सा, वो सब आएगा, सीखते जाओ. मान लो मैं क्वेश्चन दूं H2- का, अभी आया वो सवाल जेई का अपना, लिथियम में आया था, Li2, Li2 प्लस, Li2- सेम सवाल होगा. H2- कितने इलेक्ट्रॉन, H2- मतलब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन और, मतलब तीन इलेक्ट्रॉन. तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s1, तीन इलेक्ट्रॉन ऐसे ही होंगे, पहले इसमें दो फिर इसमें एक. बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2. सही है, तीन इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, दो इसमें एक इसमें, बॉन्डिंग में दो, एंटी बॉन्डिंग में एक, कितना आया 1/2. अब मैं पूछूं इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, अब बताओ इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है. तो लग रहा होगा कि सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये है और इन दोनों की स्टेबिलिटी बराबर, ऐसा नहीं है. नोट करके लिखो, नोट डाल के लिखो, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल देन स्टेबिलिटी इज चेक्ड बाय सीइंग व्हिच हैज लेसर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. अगर दो का बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो ये देखो किसमें, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम है. इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, हाफ हाफ, दोनों में से एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन किसमें कम है, इसमें, इसमें एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो दिस इज मोर स्टेबल. जब बॉन्ड ऑर्डर बराबर आ जाए तो चेक करो एंटी बॉन्डिंग में किसके इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास है, तो ये लेस स्टेबल, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग स्टेबिलिटी घटाता है. यानी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा सबसे पहले H2, फिर H2 प्लस और फिर H2-. इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर बराबर था पर इसके पास एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसके पास था. क्लियर हो गया, अभी समझ में आगे कैसे गेस करना है स्टेबिलिटी वगैरह, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है. अच्छा, अब यहीं पे बात कर लेते हैं, स्टेबिलिटी की बात हो गई, समझ में आ गया. बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड लेंथ की देखो, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे, एटम उतने क्लोज हो जाएंगे, बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी हो जाएगी. मतलब बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, नंबर ऑफ बॉन्ड उतने ज्यादा, एटम्स उतने क्लोज, बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी. मतलब इसमें मैं पूछ लूं कि बॉन्ड लेंथ का आप ऑर्डर बताएं, यही सब सवाल आ सकते हैं कंपैरिजन वाले, स्टेबिलिटी बताओ, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर. तो जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा. जैसे इन दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, सेम. अब यहाँ पे स्टेबिलिटी चेक मत करना, इन दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम और इसकी बॉन्ड लेंथ उससे कम. बॉन्ड ऑर्डर किस पे बेस्ड है, सॉरी बॉन्ड लेंथ किस पे बेस्ड है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर. सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी में मत चले जाना, सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर. तो इन दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम और इसकी बॉन्ड लेंथ उनसे कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका बॉन्ड लेंथ कम, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर कम, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर उतना, बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा. तो कट कर नहीं, चलो चलाते रहते हैं, ठीक है. ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, बॉन्ड लेंथ उतनी कम. क्लियर हो गई सब चीजें, छोटी मोटी बातें. और क्या आता है, और आता है बच्चों मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर. ठीक है, इसको मैं मिटा दूं, नोट कर लिया है. बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, स्टेबिलिटी जितना बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा. मैग्नेटिक नेचर दो तरह का हमें गेस करना होगा, एक होगा पैरा मैग्नेटिक, एक होगा डाया मैग्नेटिक. पैरा मैग्नेटिक बच्चों वो जो मैग्नेटिक फील्ड में थोड़े से अट्रैक्ट हो जाए, डाया मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल हो. तो बच्चों पैरा मैग्नेटिक वो होंगे जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कोई कैंसिल नहीं कर रहा, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा. और जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो वो कैसा हो जाएगा, हमारा डाया मैग्नेटिक. उसको मैग्नेटिक फील्ड से कोई फर्क ही नहीं, उसके इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, थोड़ा सा रिपेल अलग हो जाएगा वो. ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा रिपेल, ये थोड़ा सा अट्रैक्ट. तो इन तीनों में से बताओ सबका नेचर. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दोनों पेयर्ड, पेयर्ड है यहाँ पे. पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब दिस इज डाया मैग्नेटिक, और ये एक्सपेरिमेंट भी एग्री करते हैं. यहां पे बताओ ये पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड, तो ये कैसा हो गया, पैरा मैग्नेटिक. एग्जाम में सवाल आ गया इन तीनों में से पैरा मैग्नेटिक कौन है, ये वाला बताओ. H2 प्लस अनपेयर्ड, दो इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स अगेन इट इज पैरा मैग्नेटिक. तो ये दोनों पैरा मैग्नेटिक एंड दिस इज डाया. जहां पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पे डाया, जहां पे अनपेयर्ड वहां पे पैरा, जहां पे पेयर्ड वहां पे डाया, जहां पे अनपेयर्ड वहां पे पैरा. क्लियर,
बहुत बढ़िया भाई, तो मैंने ख्याल से मैंने आपको थ्योरी तो बता दी इसके अंदर, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एग्जांपल करते जाओ, हाथ सेट हो जाएगा, सारी चीजें बताएंगे अब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मॉलिक्यूल ले लेते हैं, एच टू हो गया, हीलियम टू हो गया, अब Li2 बोलो, Li2 लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, Li2 6 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, हो गए 6। बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2, बॉन्डिंग में 2, 2, 4, एंटी बॉन्डिंग में 2 डिवाइड बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर 1, यानी इनके बीच में कभी बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड बनेगा। Li2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन, 6 में से 1 चला गया, 5 इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s1। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, बोलो बॉन्डिंग में 3, एंटी बॉन्डिंग में 2 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ, 1/2। और साथ में Li2 माइनस की बात करें, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, इसके बाद कौन है, सिग्मा स्टार 2s1, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, 2, 2, 4, 1, 5 माइनस एंटी बॉन्डिंग, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर 2, 2, 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2, 1, 3 डिवाइड बाई 2 कितना आया, 1/2। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इसकी, फिर बताओ इसकी, क्यों, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर इसकी क्योंकि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब सबसे ज्यादा इसकी, फिर इन दोनों की बराबर, पर इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है इसमें नहीं, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, Li2 प्लस Li2 माइनस, ये ऑर्डर हो जाएगा। चलिए भाई समझ में आ गया ये भी, चलिए तो लिथियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, अब चाहो तुम बेरिलियम कर लो अपने आप, ट्राई Be2, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा देखो, क्योंकि जितने बॉन्डिंग में है उतने एंटी बॉन्डिंग में है ना, माइनस करोगे 0, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बॉन्ड ऑर्डर 0, मतलब डू नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट लेते हैं Be2, बोरॉन 2, दो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन है ना, बोरॉन 5 तो 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, अब देखो कैसे भरना है इसको, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 कितने हुए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, अब आए दोनों साथ में आएंगे, ये π2px = π2py दोनों साथ में खुलते हैं, अब इन दोनों की एनर्जी बराबर है, कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं अभी, 2, 8 हो गए हैं, 2 बचे, तो एक इसमें जाएगा एक इसमें, 11 होता तो फिर एक इसमें, 12 तो फिर उसमें, किसी एक में 2 मत डालना, हंड्स रूल, पहले इसमें फिर इसमें। बॉन्ड ऑर्डर की बात कर ले, बॉन्ड ऑर्डर बताओ, बोलो रे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग में 2, 2, 4, 5, 1, 6, एंटी बॉन्डिंग में 2, 2, 4 डिवाइड बाई 2, 2/2, बॉन्ड ऑर्डर 1, इसके बीच में कितना बॉन्ड है, 1। मैग्नेटिक नेचर, काफी देर से इसकी बात नहीं की थी और कर लेते हैं, मैग्नेटिक नेचर, तो इलेक्ट्रॉन कैसे हैं इसमें, अनपेयर्ड, अनपेयर्ड मतलब मूवमेंट कैंसिल नहीं हुआ, सिंगल इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब पैरा मैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखे तो पैरा मैग्नेटिक, ये वाला बताओ डाया मैग्नेटिक, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, वैसे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, करता तो कैसा होता, डाया मैग्नेटिक, हो गया। आप मेरे को करके दिखाओ C2 का, चलो वीडियो को पॉज करो, कार्बन 2 का सब कुछ खुद से करो, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक नेचर, सब कुछ। C2 का 12 इलेक्ट्रॉन, C2 12 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हो गया पॉज, हो गया भाई। चलो कार्बन 2 12 इलेक्ट्रॉन, 12 कैसे भरोगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, आ रहा है यार ये बड़ा बोर कर रहा है, एक काम करते हैं इस पूरे को हम हटा देते हैं, इस पूरे को हम हटा देते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, बॉन्ड ऑर्डर पे इसका कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहे हैं, भैया बॉन्ड ऑर्डर पे कोई फर्क पड़ रहा है, ये इससे कैंसिल हो जा रहे होंगे, ये इससे कैंसिल हो जा रहे होंगे, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन से फर्क पड़ रहा होगा, ये तो अंदर अंदर कैंसिल हो रहे होंगे, कोई फर्क नहीं, और लिखने का बार बार मतलब नहीं है, तो इसको आगे से हम लिखना बंद कर देंगे, π2px = π2py। चलो भाई ये हुए 8 इलेक्ट्रॉन 12, तो एक इसमें 9, 10, फिर एक इसमें और 11, फिर एक इसमें और 12, कंप्लीट। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, कटने वाले हैं, बॉन्डिंग कितने हुए 4, एंटी बॉन्डिंग 0 डिवाइड बाई 2 कितना आया 2, अरे तो कैंसिल हो जाएंगे ना, गिन लो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 हुए बॉन्डिंग, माइनस 2, 2, 4, एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2, यही तो आ रहा है,
यानी इसको इग्नोर किया जा सकता है. जब लंबे लंबे मॉलिक्यूल्स लिखो तो इसको इग्नोर मार दो. बॉन्डेड मैग्नेटिक नेचर बोलो, डायमैग्नेटिक. क्यों डायमैग्नेटिक? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड. तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे लिखेंगे, के के डैश मतलब ये, ये दोनों फिल्ड हो गई. इसके बाद पाई 2px इक्वल टू पाई 2py दो दो. क्या इनसे कुछ फर्क पड़ा बॉन्ड ऑर्डर पे? नहीं पड़ा. देखो मैंने इनको छोड़ा बाहर के, हमने क्योंकि ये इससे कैंसिल. बचे कितने बॉन्डिंग? चार. एंटी बॉन्डिंग 0/2. तो अब ऐसे लिखना सीखो, ये कहां तक के इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन. तो 8 इलेक्ट्रॉन को सिग्मा स्टार 2s तक लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा स्टार्ट कर दो पाई 2px पाई 2py से. चलो कार्बन हो गया. नेक्स्ट इज नाइट्रोजन N2. देखते हैं कितना बॉन्ड ऑर्डर आता है N2 का, 14 इलेक्ट्रॉन. चलो तो सिग्मा वाले से लिखना छोड़ दूं मैं, के के डैश. कितने इलेक्ट्रॉन खत्म? 8 खत्म. कितने बचे? 6. अब पाई 2px इक्वल टू पाई 2py देन सिग्मा 2pz. दो दो, एक एक डाला होगा, फिर एक एक डाला होगा, 12 हुए और इसमें दो डाला, 14 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग 2, 2, 4, 2, 6. एंटी बॉन्डिंग 0/2. ये सब तो कैंसिल हो रहे होंगे अंदर वाले. दो बॉन्डिंग दो एंटी बॉन्डिंग कैंसिल. तो 6 बॉन्डिंग, एक भी एंटी बॉन्डिंग नहीं. 3 बॉन्ड ऑर्डर, 3 मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड? 3 बॉन्ड. सही है, बढ़िया, मस्त. पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक. क्यों डायमैग्नेटिक? क्यों हुआ ये डायमैग्नेटिक? क्योंकि इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है. मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा रिपेल हो जाएगा. क्लियर है? अब देखो यहां पे मैं तुमको एक बड़ा ही क्लिकिंग पॉइंट बता रहा हूं, जहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है. लिसन केयरफुली, N2 में मैंने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, क्या बनेगा? N2-. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15. ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये कहां तक का था? लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन. तो क्या N2- पे ये कॉन्फ़िगरेशन लगेगा या कोई दूसरा कॉन्फ़िगरेशन लगेगा? दिस इज अ बिग क्वेश्चन. यहीं पे सारे वीडियोस आपके फ्लॉप होते हैं, यहीं पे मेरा वीडियो आपको अंदर की डिटेलिंग समझाता है. यहीं आप फंसते हो कि N2 में 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, N2- में 15 इलेक्ट्रॉन. तो 15 के लिए तो दूसरी कॉन्फ़िगरेशन आएगी, अभी ये 14 तक की थी. तो इसमें क्या करें, 15 वाली लगाएंगे 14 वाली? इसमें आप 14 वाली लगा दो. क्यों? क्योंकि बना किससे है? N2 से. यानी N2- इसी कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेगा. सो अगर मैं N2- की बात करूं, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 15 इलेक्ट्रॉन, इसी कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेगा, सब सेम रहेगा. डैश डैश डैश, ये कितने थे? 14, यहां तक पहुंच गए. इसके बाद है पाई स्टार 2px. पूरा लिख दूं मैं? σ1s2, थोड़ा मजा लेते हैं. σ*1s2, σ2s2, σ*2s2, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py दो दो, सिग्मा 2pz दो, पाई स्टार 2px, अरे छी, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py. चलो दो दो चार दो छः दो आठ, ये तो 8 इलेक्ट्रॉन, के डैश खत्म. ठीक है, दो 10 दो 12 दो 14 एक 15, इसी कॉन्फ़िगरेशन में चलेगा 15 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये N2 से बना है, कोई नया मॉलिक्यूल नहीं है. अब बोलो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर, कोई टेंशन नहीं, सब आपस में कैंसिल. ये बचे दो दो चार दो छः, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 1/2, 5/2 कितना हुआ? 2.5. इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है? ये रहा, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना था? 6-0/2 कितना? 3. दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल. जैसे यहीं पे कोई आपसे N2+ पूछ ले तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 13. तो कोई टेंशन नहीं, यही सिस्टम रहेगा 13 के लिए. तो 14 13 13 में उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना, किसमें? लास्ट वाले से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना सिग्मा 2pz में. पैरामैग्नेटिक नेचर हो जाएगा. जैसे इसका नेचर भी कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक, मैग्नेट से थोड़ा सा अट्रैक्ट, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कैसा है? अनपेयर्ड. दिख रहा है ये वाला अनपेयर्ड, ये 2px 2py ऑर्बिटल्स है ना, तो इसमें एक में इलेक्ट्रॉन है और कंप्लीटली फिल नहीं है, पैरामैग्नेटिक. N2+ 13 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सिग्मा 2pz1 हो जाएगा. बॉन्ड ऑर्डर 2 2 4 1 5 2, 2.5 आएगा. और पैरामैग्नेटिक नेचर, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, लास्ट में सिग्मा 2pz1 बन जाएगा. बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बोलो? 2 2 4 1 5 -0/2 कितना आया? 2.5.
इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल ये, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसके पास नहीं होगा, इसके पहले क्या होगा, इसकी पूरी यही कॉन्फ़िगरेशन होगी यार, यहाँ पे बस वन इलेक्ट्रॉन। इन दोनों में से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में से एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन किसके पास है, इसके पास, तो दिस इज लेस स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल। तो एन टू, एन टू प्लस, एन टू माइनस, ऑर्डर एन टू, एन टू प्लस, एन टू माइनस। तो बहुत बढ़िया, आप ये सारी कहानी समझ गए, बॉन्ड ऑर्डर समझ गए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, सवाल आपने बनाया। अच्छा मान लो मैं तुम्हें घुमाऊं फिराऊं और तुमसे दूसरा सवाल करवाऊं, जैसे मैं तुम्हें दे दूं कार्बन मोनोऑक्साइड, या मैं तुम्हें दे दूं सीएल, दे सकता हूं, क्यों नहीं दे सकता, दे सकता हूं, या मैं तुम्हें दे दूं सीएन माइनस। अब क्या करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिरें, कॉन्फ़िगरेशन को करें, कर सकते हैं, 6 + 8 कितने हुए 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन के लिए पूरी कहानी लिखें और चीज़ों को समझें, ये कर सकते हैं, या इसका कोई शॉर्टकट उठा ले, बिल्कुल एक शॉर्टकट समझो, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक शॉर्टकट समझो, 14, 13, 12, 11, 10 बॉन्ड ऑर्डर, 14 पे बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, 13 पे 2.5, 12 पे 2, 11 पे 1.5, 10 पे 1, खत्म। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, बॉन्ड ऑर्डर 3, 13, 2.5, 12, 2, 11, 1.5, 10, 1, 14 पे 3 रखो, उसके बाद 0.5, 0.5, 0.5 कम कर दो। जैसे आपसे पूछे विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल, या एक सवाल जेई में आया हुआ था, विच हैज सेम बॉन्ड ऑर्डर एज N2, सिमिलर सवाल था। अब चार ऑप्शन आपको दे दिया, मान लो सी एन, ठीक है, सी ओ, ओ टू, चार ऑप्शन आपको कुछ भी दे दिया, एन ओ प्लस। अब पूछा किसका बॉन्ड ऑर्डर N2 के सिमिलर है, तो यार तुम कुछ मत करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिन लो, ये मैंने क्या गिना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिन लो, N2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 14, तो बॉन्ड ऑर्डर 14 के लिए कितना होता है, 3, 14 के लिए 3, 13 के लिए 2.5, 12 के लिए 2, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, सी एन 6 और नाइट्रोजन 7, 6, 7, 13, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2.5, छोड़ दो, सी ओ 6, 8, 14, 14 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3, 14 पे 3, 13 पे 2.5, 12 पे 2, एक एक इधर गिरेगा, इधर आधा 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 गिरेगा। ऑक्सीजन कितना, 16 इलेक्ट्रॉन, भूल जाओ, एनओ प्लस 7, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, टोटल इलेक्ट्रॉन गिनने हैं, वैलेंस शेल के नहीं, कार्बन पे 6, नाइट्रोजन पे 7, 13, कार्बन 6, ऑक्सीजन पे 8, 14, ऑक्सीजन पे 8, 8, 16, 7 और 8, 15, और एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 14, हाँ प्लस लगा, 7 और 8, 15, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 14, 14 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, तो इसमें से नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कौन फॉलो कर रहा है, बी भी कर रहा, डी भी कर रहा, अब समझ में आया, तो इस ट्रिक को आप यूज कर सकते हो। हाँ, इसमें कुछ चीजें छुप रही है कि पैरा मैग्नेटिक है कि नहीं, डाया मैग्नेटिक है कि नहीं, अभी दे दे कौन ज्यादा स्टेबल है, अब कौन ज्यादा स्टेबल है तुम्हें क्या पता होना चाहिए, किसमें, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, तो वो चीज यहां से गायब है, तो कहीं जगह काम कर जाएगा, जहां हल्के फुल्के सवाल होंगे वहां चल जाएगा, स्टेबिलिटी में काम कर जाएगा। जैसे हम पूछें विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल, ठीक है, ऑप्शन ए आपका मैंने रख दिया सी एन, ऑप्शन बी रख दिया मैंने एनओ प्लस, सॉरी एनओ, ऑप्शन सी मैंने रख लिया मान लो ओ टू, ऑप्शन डी मैंने रख लिया CN माइनस। अब हमसे पूछा कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 + 7 = 13, बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 7 + 8 = 15, 15 का हमें पता नहीं, 15 का भी 2.5, तो इसको चेंज कर लेता हूं मैं अभी के लिए, NO, NO प्लस कर लेता हूं, चलो तो ये कितना हो गया, 7 + 8 = 15 - 1 = 14, बॉन्ड ऑर्डर 3, इस पे आ जाओ, ऑक्सीजन 16 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर 16 के लिए हमें नहीं पता है, 16 के लिए आगे जाते वक्त भी ये डिक्रीज करता है, चाहो तो लिख लो 15, 16, चलो लिखवा देता हूँ यहाँ, फिर 2.5, 16 पे 2, 17 पे 1.5, 18 पे 1, सेम ऑर्डर इस तरफ भी, सेम ऑर्डर ऊपर भी, क्लियर है, 14 पे 3 रख लो, उसके बाद चाहे आगे की तरफ बढ़ो चाहे पीछे की तरफ 0.5, 0.5 कम कर लो, तो ये 16 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा 2, फिर यहाँ है कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, 6, 7, 13,
माइनस एक 14, बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ 3। तो आप समझ गए इसमें से ज्यादा स्टेबल, इसमें से मोर स्टेबल तो नहीं, इसमें से आप लीस्ट स्टेबल सेलेक्ट कर सकते हो, लीस्ट स्टेबल। इसमें से लीस्ट स्टेबल कौन होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम, तो ढाई तीन, ढाई तीन दो तीन, सबसे कम किसका है दो, तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन लीस्ट स्टेबल। अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ लेगा तो थोड़ा सोचना पड़ेगा यार, देखो ये दोनों की स्टेबिलिटी बराबर हो सकती है, अब चेक करना पड़ेगा क्या कि एंटी बॉन्डिंग में किसके इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो कंफ्यूज हो जाएगा। यहां पे लीस्ट स्टेबल पूछेगा ऐसे सवाल में, अगर जेई आसानी से तो आप बता दोगे, पूरा पूछेगा तो कॉन्फिगरेशन करना पड़ेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक शॉर्टकट आपके पास सीधा साधा पड़ा हुआ है, क्या पड़ा है बॉन्ड ऑर्डर का आपके पास शॉर्टकट, 14 पे 3 मानो, इसके ऊपर 13 पे 2.5, 12 पे 2, 11 पे 1.5, 10 पे 1, नीचे जाते वक्त फिर वही 15 पे 2.5, 16 पे 2, 17 पे 1.5, 18 पे 1, शॉर्टकट है बॉन्ड ऑर्डर के लिए, लगा सकते हैं इसको। क्लियर है, विच हैज सेम बॉर्डर, विच हैज ग्रेटर बॉन्ड ऑर्डर, हो सकता हो दो का सेम ना आए, अगर सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करने को कहा। क्लियर, बहुत बढ़िया, तो ये एक शॉर्टकट भी आपको पता चल गया, इसको भी आप याद रख सकते हो। अब आया बच्चों एनर्जी लेवल डायग्राम, अभी मैं इसी के लिए चल रहा हूं, लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन, अभी 15-16 के लिए मैंने कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताया, शॉर्टकट बता दिया, शॉर्टकट सब पे वैलिड है ना, बस याद रखना है 14 पे 3 बॉन्ड ऑर्डर, अगर इलेक्ट्रॉन 14 है तो 3 बॉन्ड ऑर्डर, 15 पे 2.5, 13 पे भी 2.5, 12 पे 2, 16 पे 2, बस ये 14 वाली फिगर याद रखो, फिर 0.5 कम करते जाएंगे। अब बनाते हैं बच्चों एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है, ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल डायग्राम। तो आइए मैं इसको समझाऊं आपको, एनर्जी लेवल डायग्राम की कहानी। सबसे कम एनर्जी है सिग्मा 1s, कैसे बना होगा, जब एक 1s दूसरे 1s से मिला होगा, तो 1s 1s मिले होंगे और दो ऑर्बिटल बने होंगे, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, दोनों में से एनर्जी किसकी ज्यादा है इसकी, तो मैं यहां से दो प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, एक ऑर्बिटल यहां एक यहां, ये सिग्मा स्टार 1s, ये सिग्मा 1s, इसकी एनर्जी ज्यादा इसकी एनर्जी कम, ठीक है, ऊपर की तरफ हम एनर्जी दिखा रहे हैं, तो इसकी एनर्जी ज्यादा इसकी एनर्जी कम, 1s 1s मिले ऐसा। इसी तरह से 2s 2s मिले होंगे, तो इधर से एक 2s इधर से एक 2s मिले दोनों, ये बन गया सिग्मा स्टार 2s, ये बन गया सिग्मा 2s, एनर्जी किसकी ज्यादा है सिग्मा स्टार की, ऑर्डर ऑफ एनर्जी में चल रहे हैं ऊपर की तरफ, क्लियर है। इसके बाद आए होंगे 2p और उससे बहुत कुछ बना है, तो आओ 2p को बना लें, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, तो p के 3 ऑर्बिटल, और इधर भी p के 3 ऑर्बिटल। अब देखो इसको कैसे बनाना है, ये दो ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, फिर इसके बाद एक सिग्मा 2pz भी है सब बॉन्डिंग में, इसके बाद इन दोनों की एनर्जी सेम है एंटी बॉन्डिंग में, तो ऊपर उठा दिया, उसके बाद उसकी एनर्जी और ऊपर है एंटी बॉन्डिंग में, तो उसको और ऊपर उठा दिया, ये बन गया। देखो अब क्या है, सबसे पहले पाई 2px पाई 2py, तो दो ऑर्बिटल यहां साथ में है, कौन कौन सी, पाई 2px पाई 2py, इसके बाद इसके ऊपर है सिग्मा 2pz, तो ये हो गई इसके बाद सिग्मा 2pz, इसके ऊपर है पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, तो इस पे रख दी मैंने पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और उसके ऊपर है सिग्मा स्टार 2pz, तो यहां आ गया सिग्मा स्टार 2pz ऊपर। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, इसको आप फॉलो करके किसी में भी इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हो, किसी भी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हो, मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हैं। कैसे कैसे किया समझ में आया, कोई नई चीज नहीं की, 1s 1s लिया एक एंटी बॉन्डिंग एक बॉन्डिंग, 2s 2s लिया एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग, इसमें कंफ्यूजन होती है सबसे ज्यादा p में, तो इसको फिर से एक बार यहां पे देख लो, फिर उसको प्रैक्टिस तो करेंगे ही। ये मैंने पीन के 3 ऑर्बिटल p के 3 ऑर्बिटल, देखो पहले पाई 2px पाई 2py कैसे हैं बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग को नीचे रखना है तो नीचे रख लिया, ये बना लिया मैंने दोनों की एनर्जी बराबर पाई 2px पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz बॉन्डिंग है तो उसको भी नीचे ही रखा सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंटी बॉन्डिंग तो ऊपर चला गया, क्यों, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग अनस्टेबल होता है। चलो अच्छा एक बात और बता देता हूं, नोट में डालनी पड़ेगी पाई स्टार 2py, इसके बाद सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, तो ये भी ऊपर आ गया सिग्मा स्टार 2pz, ये हो गया हमारा p ऑर्बिटल का। p
पीएक्स पीवाई पीजेड से नहीं देखना है, बनाने को बना दिया। अब चलो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है कि नहीं, ये एटम की ऑर्बिटल थी, ये एटम की ऑर्बिटल थी, और बीच में मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल्स आ रही। सो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नोट्स नोट ले लें इसका, कॉपी में डालें नोट, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, इसीलिए देखो उसके नीचे चला गया, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ऊपर, इसीलिए यहां पे मैंने इन दोनों को नीचे बनाया, एक को ऊपर नहीं बना सकता क्योंकि ये भी बॉन्डिंग है ये भी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है और एंटी बॉन्डिंग की एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा, ये इससे ज्यादा स्टेबल, ये इससे कम स्टेबल, इसलिए ऊपर चले गए। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लेसर एनर्जी देन एटॉमिक, इसलिए यहां पे दोनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे आई। नोट्स में जाएगी ये बात, दोनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे आई। एक नंबर का असम्प्शन रीजन पूछ लेगा कि ये डायग्राम ऐसा है बिकॉज, अब रीजन देना पड़ेगा है ना, तो बिकॉज में आपको ये लिखना पड़ेगा रीजन, या स्टेटमेंट टू में आपको ये मिलेगा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लेसर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये हो गया, बस इसके बाद आप इसको डायग्राम वगैरह बना सकते हो यार। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं, अरे कर लोगे यार H2 हाइड्रोजन, तो यार हाइड्रोजन में क्या होता है, HH से बनता है 1s1, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा σ1s2, दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें चले गए बॉन्डिंग में, तो ये दोनों मिलाकर यहाँ पे बना दो खत्म, यही तो करना है, ये नहीं कर पाओगे हलवा अरे भाई। अच्छा जैसे मान लो मैं तुमसे कहूँ ये बनाओ, थोड़ा बढ़ा लेते हैं लेवल को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, मान लो मैं तुम्हें B2 बनाओ, 10 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम, ठीक है B2 10 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम, तो बोलो B2 बोरॉन 2, σ1s2, σ*1s2, σ2s2, σ*2s2, और क्या आएगा, बोलो πx इक्वल टू πy 1 1, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10। अच्छा बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बोरॉन के 5 इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, तो बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन बना लें दोनों तरफ बोरॉन कॉन्फ़िगरेशन, इधर भी बोरॉन 1s2 कचक कुचुक 2s2 कचक कुचुक, दोनों बोरॉन आ रहा है दोनों तरफ से, और क्या है 2p1, पी में एक इलेक्ट्रॉन होना है, पी में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी वन, क्लियर हो गया। अब बोलो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, σ1s2 यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, σ*1s2 इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, σ2s2 2 इलेक्ट्रॉन, σ*2s2 2 इलेक्ट्रॉन, π2px में 1, π2py में 1, पैरेलल स्पिन डाला, हंट्स रूल को फॉलो किया, यहां गलती मत करना कि दोनों को उल्टा उल्टा, दोनों की एनर्जी सेम। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम का कर लो, मॉलिक्यूल का कर लो, और फिर इस डायग्राम पे आ जाओ। चलो नाइट्रोजन का कर लेते हैं, द लास्ट एग्जांपल N2 कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बोलो σ1s2 σ1s2 स्टार, σ2s2 σ*2s2, π2px इक्वल टू π2py 1 1 2 2, ये कितने हुए 12, इसके बाद σ2pz2 14। नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन इधर कर लो, 7 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 2 2 4 3 7, 1s2 1s2, दो नाइट्रोजन हो गए ना, 2s2 2s2, सही है, 2p में 3, 1 2 3 1 2 3, इधर से एक नाइट्रोजन आया, इधर से भी एक नाइट्रोजन आया। अब σ1s2 ठीक है, σ*1s2 ठीक है, σ2s2 ठीक है, σ*2s2 सही है, π2px2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, π2py2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, σ2pz2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। आ गया मजा, समझ में आ गया एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाना है, क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखोगे तो एनर्जी लेवल डायग्राम बन जाएगा। दिस होल इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन इन टोटल ऑफ द मॉलिक्यूल। अब अगर इसमें N2 माइनस आता है तो याद रखना इसी कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करना है, तो इसको नोट कर ले। अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14 पे, यानी 15 से लेके 20 इलेक्ट्रॉन्स तक के सिस्टम की हम बात करेंगे, 15 से लेके 20, ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बात करते हैं, 15 से लेकर 20 क्या चेंज होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में और एनर्जी लेवल डायग्राम में भी क्या चेंज होगा। आइए, तो ग्रेटर देन 14 या 15 से 20 की बात करें, 14 तक में यही लगाना था। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर टोटल
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन 20, है ना, 15 से लेके 20 और दोनों लिमिट इंक्लूडेड है. क्या करना है अब आपको, ये वही रहेगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 एक्सपेरिमेंटली आया है ये पाई 2px इक्वल टू पाई 2py. मैं 2 हटा दूं, अब ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरते, पाई 2px पाई 2py. यहां पे चेंज होगा, हम लोग यही लिखते आ रहे थे और इसके बाद क्या लिखते थे, सिग्मा 2pz उसके बाद पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py और उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz ये लिखते थे. बस यहां पे एक चेंज होना है, बस सिर्फ एक इंटरचेंज है. ये कहां की थी कॉन्फ़िगरेशन, नोट्स नोट नोट में डालेंगे. ये कहां की थी, लेस देन इक्वल टू 14, ये उठा के वहां वो उठा के यहां, काम खत्म. बस ये इंटरचेंज है ए, ये यहां पे डालो सिग्मा 2pz यहां डालो पाई 2px इक्वल टू पाई 2py. दैट्स इट, दैट्स इट फॉर 15 टू 20 इलेक्ट्रॉन. दैट्स इट. अब 15 टू 20 इलेक्ट्रॉन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज O2 ऑक्सीजन. 16 इलेक्ट्रॉन आएगा ही आएगा पेपर में. चलो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 दैट इज KK KK. ओके KK डैश, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ना. आगे सिग्मा 2pz2 फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py. एक इसमें दो इसमें कितने हुए, दो चार दो छः दो आठ दो दस दो बारह दो चौदह. नेक्स्ट ये आएगा पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, दो. इसमें दो मत डालना, एक इसमें क्योंकि दोनों बराबर. 16 हो गए, दो दो चार दो छः दो आठ दो दस दो बारह दो सोलह. पहले सीधा बताओ मैग्नेटिक नेचर, बिना कुछ सोचे मैग्नेटिक नेचर में क्या देखना है तुमको, कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं कि नहीं. तो दिख रहा है यहां पे दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ये पेयर्ड थोड़ी ना, ऐसे एक एक अनपेयर्ड. सो सिंस ऑक्सीजन हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हेंस वी कैन से इट इज पैरा मैग्नेटिक. और ये सवाल बहुत आता है, शो दैट ऑक्सीजन इज पैरा मैग्नेटिक. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देना और दिखा देना ऑक्सीजन के पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए भी ऑक्सीजन क्या हो गया हमारा, पैरा मैग्नेटिक हो गया. क्लियर है एकदम, समझ में. बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग. तो इसको तो छोड़ दो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग. यहां से आओ, दो चार दो छः हुए बॉन्डिंग, एक दो चार दो छः. एंटी बॉन्डिंग में एक दो डिवाइड बाई दो, छः माइनस दो चार बाई दो, दो. मतलब O2 में ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड होंगे, दो, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर देखो कितना आ रहा, दो. बॉन्डिंग में देखो दो चार दो छः माइनस एंटी बॉन्डिंग में दो डिवाइड बाई दो, बॉन्ड ऑर्डर कितना है, दो. मैंने शॉर्ट ट्रिक से भी बताया हुआ है, 14 पे कितना होता है, 3, 15 पे बोलो 2.5, 16 पे बोलो 2. देखो वही चीज़ आ रही है यहाँ कैलकुलेशन करके. क्लियर है. अब आप मेरे लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हुए, यानी 14 से ऊपर वाले के लिए आप O2 प्लस का, O2 माइनस का, O2 2 माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे. O2 प्लस 16 से एक इलेक्ट्रॉन कम, O2 माइनस 16 से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, O2 2 माइनस 16 से 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा. इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इनका बॉन्ड ऑर्डर चलिए करके दिखाइए. इसको हो गई कॉन्फ़िगरेशन O2 प्लस O2 माइनस, इसको आप 14 इलेक्ट्रॉन के केस में तो जाएंगे नहीं, वैसे भी 15 है. तो बोलो 2 2 4 मतलब KK KK डैश, सही है भाई, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, बचे कितने 15 और. तो अब आएगा सिग्मा 2pz2 पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, 2 2 कितने हुए 14 इलेक्ट्रॉन्स. अब पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसमें बताओ, 8 2 10 2 12 2 14 1 15 इलेक्ट्रॉन. बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो खटाक से, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, इनका तो कैंसिल हो जाएगा, 2 2 2 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 2 4 2 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 1 डिवाइड बाई 2, 5 बाई 2 कितना आया, 2.5. देखो 15 का 2.5 उधर लिखा हुआ है, 15 का 2.5 17 में सेम कॉन्फ़िगरेशन, 15 16 17 समझ में आ गया.
नहीं आया, 15 है, 16, 17, मतलब सारी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, लास्ट में पाई स्टार 2px, सॉरी, यस, इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, ये था 15, तो 16, 17, यही बनेगा बॉन्ड ऑर्डर, बोलो 17 का, बाकी सब तो ठीक रहेगा, 2, 2, 4, 2, 6, माइनस 3 डिवाइड बाई 2, 3 बाई 2 कितना आया, यस 3 बाई 2 कितना आया, 1.5, देखो 16 से 17 की तरफ जाओगे तो 1.5 और कम हुआ, कहानी समझ में आ रही है, 14 से जितना एक एक नीचे जाओगे ये 0.5 कर, 16 पे 2 था, 15 पे 2.5, 17 पे 1.5, अच्छा 18 में क्या होगा, 18 में यही होगा, 17 तक हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और डाल दो, 18, मतलब सेम यहाँ पे पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, दो इसमें, दो इसमें, बॉन्ड ऑर्डर बोलो, 2, 2, 4, 2, 6, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2, 2, 4, डिवाइड बाई 2, 2 बाई 2, 1, यहाँ से देखो 17 पे 1.5 है तो 18 पे कितना आएगा, 1, 17 पे 1.5, 18 पे 1, बॉन्ड ऑर्डर 1, सीधा सीधा कर सकते थे, क्लियर है एकदम बढ़िया से, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक की बात करें, इसमें एक अनपेयर्ड पैरामैग्नेटिक, इसमें एक अनपेयर्ड पैरामैग्नेटिक, इसमें एक भी अनपेयर्ड नहीं डायमैग्नेटिक, O2 2 माइनस इज डायमैग्नेटिक, बाकी O2 प्लस पैरामैग्नेटिक, O2 माइनस पैरामैग्नेटिक, ऑक्सीजन इटसेल्फ इज पैरामैग्नेटिक, क्लियर हो गया, तो ऐसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो और इसका भी एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हो, डिफरेंस क्या होगा, जो इसमें डिफरेंस है वही एनर्जी लेवल डायग्राम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, किया जाए इसका एनर्जी लेवल डायग्राम, आइए लेट अस मेक एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ दिस स्टोरी, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, यहां पे डिफरेंस क्या है, सिग्मा 2pz, ओके, इसके बाद बोलो पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, ओके, देन प्रैक्टिस कर लो, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, ओके, देन कम्स सिग्मा स्टार 2pz, डायग्राम इस तरफ एनर्जी, इस तरफ ऑर्बिटल्स, तो ये 1s 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, इसी तरह से 2s 2s ये सिग्मा 2s ये सिग्मा स्टार 2s, बॉन्डिंग की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम, एंटी बॉन्डिंग की एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा, ये इधर इधर क्या लिख रहे हैं हम, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना, और बीच में क्या लिख रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर पी आएगा, पी में तीन ऑर्बिटल, पी में तीन ऑर्बिटल, अब एनर्जी का ऑर्डर देखो, पहले सिग्मा 2pz बॉन्डिंग है तो नीचे करेंगे सिग्मा 2pz, इसके बाद पाई 2px 2py बॉन्डिंग है मतलब यहां से तो नीचे ही होगा, ये हो गए दोनों पाई 2px एंड दिस इज पाई 2py, इसके बाद पाई स्टार 2px पाई, ये एंटी बॉन्डिंग तो यहां से ऊपर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, इसके बाद सिग्मा स्टार 2pz एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2pz, पूरा तरीका समझ में आ गया, किसी का भी कर लो, जिसका मन करे, ऑक्सीजन का मन करे ऑक्सीजन कर लो, एनो का मन करे एनो का, जिसका मन हो कर लो, किसी एक का भी इलेक्ट्रॉनिक को, जैसे मान लो ऑक्सीजन का ही कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन का पूरा ये सब फुल होगा, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 1, 15, 1, 16, यानी लास्ट में होगा पाई स्टार 2px1 इक्वल टू पाई स्टार 2py1, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 1, 15, 1, 16, यही बनेगा ऑक्सीजन का, बन गया, अब ऑक्सीजन एटम का बोलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p, 2, 2, 4, 4, 8, तो 1s में 2, 2s में 2 और p में 4, 1, 2, 3, 4, इस तरफ भी 1s2, 2s2, 1, 2, 3, 4, इधर क्या है ऑक्सीजन, इधर भी क्या है ऑक्सीजन, क्लियर, अब यहां देखो सिग्मा 1s2 दो इलेक्ट्रॉन इसमें, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन,
पाई 2px 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। सो इस तरह से आप कर सकते थे। चलिए अब करते हैं इसे कुछ अच्छे अच्छे लास्ट में बचे हुए क्वेश्चंस को करता हूं। जैसे हमसे पूछा गया हमारे पास चार ऑप्शन है कि आप सबकी कंपेयर करो बॉन्ड ऑर्डर कॉमा बॉन्ड लेंथ कॉमा स्टेबिलिटी। तो मैं आपको चार ऑप्शन दे रहा हूं, आपको तीनों चीज कंपेयर करनी है, O2 O2 माइनस O2 प्लस O2 2 माइनस। तो सबके ऑर्डर में अरेंज करो, करना क्या है इन सबको साइड में यहां पे आके लिख लो कुप्चे में, O2 O2 माइनस O2 प्लस O2 2 माइनस। अब आप याद रखो 14 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 3, 15 पे ढाई, 16 पे 2, 17 पे डेढ़ और 18 पे एक, ये याद रखो। अब यहां आ जाओ, चलो O2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन 16, 16 मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2, O2 माइनस 17 इलेक्ट्रॉन, 16 में एक बढ़ गए, बॉन्ड ऑर्डर 17 के लिए डेढ़, O2 प्लस मतलब 16 में से एक गया 15 इलेक्ट्रॉन, 15 के लिए 2.5, O2 माइनस 16 में दो बढ़ गया 18, तो 18 के लिए 1, तो बॉन्ड ऑर्डर इज 1, बॉन्ड ऑर्डर मिल गया। अब बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर अगर लगाना हो तो सिंपल, सबसे ज्यादा किसका, इसका फिर इसका फिर इसका फिर इसका, फिर पूछ रहा है क्या बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो देख लो भैया किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, देख लो किसका है इसका, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम, जिसकी बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है ना, मतलब बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा कर दो, तो ये फिर ये फिर ये फिर ये, फिर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी फिर इसकी फिर इसकी फिर इसकी, चारों सवाल हो गए। इसी सवाल को घुमा के जेई में कैसे पूछेगा, विच हैज नहीं अरेंज इन ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ओ ओ। अब देखना कैसे होगा, पहला ऑप्शन के ओ टू, दूसरा ऑप्शन एन ए टू ओ टू, तीसरा ऑप्शन ओ टू। इन तीनों मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है उसकी लेंथ कैसी है, तो के टू के ओ टू कैसे बना होगा, के प्लस ओ टू सॉरी के ओ टू कैसे बना होगा, यस के प्लस ओ टू माइनस। तो यहां पे कौन सा मॉलिक्यूल है, ओ टू माइनस का है, एन ए टू ओ टू, टू एन ए प्लस ओ टू टू माइनस, ऐसी तो बना होगा, ठीक है ये कैसे बना होगा 2Na plus O2 2 minus, यानी इसमें है O2 2 minus और ये सीधा क्या है O2, O2 minus, O2 minus bond order 1.5 bond order, O2 2 minus bond order 1, O2 bond order 2, निकाल सकते हो number of electron किनके, पूछा है bond length is inversely proportional to bond order, सबसे छोटा bond order सबसे ज्यादा bond length, सबसे ज्यादा bond length इसकी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी, मतलब ऑर्डर होगा बी ए सी, सबसे ज्यादा इसकी, बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है फिर इसकी फिर इसकी, ऐसे सवाल पूछ सकता है आपसे। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे एक बच्चों को कन्फ्यूजन और होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया अभी फिर डिस्कस करते हैं, हमसे कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करो एन टू का और एन टू माइनस का, तो एन टू मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, एन टू माइनस मतलब 15 इलेक्ट्रॉन, बड़ा कन्फ्यूजन है ये कि ये वाले किस वाले से करोगे, लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन वाले तरीके से, जिसमें पहले कौन आता है पाई 2px इक्वल टू पाई 2py और तब आता है सिग्मा 2pz, और ये वाला 14 से बड़ा है तो क्या इसको चेंज करो, नहीं। n2 माइनस बना कैसे है, n2 में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ के n2 माइनस बना, तो पहले क्या n2 माइनस बना होगा कि पहले n2, पहले n2 बना होगा, मतलब इसी कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हुए आगे चलना है, मतलब दिस विल बी इंक्लूडेड इन लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन वाले केस में। जैसे एक ये कन्फ्यूजन होता है NO NO प्लस NO 7 और 8 कितने इलेक्ट्रॉन हुए 15, तो ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 14 वाला केस है, मतलब 15 से 20 वाला, अच्छा 15 से 20 में क्या चेंज होता था, सिग्मा 2pz पहले आता है फिर पाई 2px पाई 2py फिर पाई स्टार वगैरह 2px पाई स्टार 2py यहां पे इसके बाद पाई स्टार आता है, ठीक है। तो ये तो ग्रेटर देन 14 वाले पे केस पे चला गया, NO प्लस 7 8 15 प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया 14, तो क्या ये 14 वाले केस पे जाएगा, नहीं, पहले NO बना होगा उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा तब NO प्लस, मतलब NO प्लस को भी आपको ट्रीट करना है किससे किससे, ग्रेटर देन इक्वल टू 14 जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करो तब। अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं, शॉर्टकट से मारो दोनों के आंसर सेम आएंगे, पर अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर पूछता है तब आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि NO
प्लस में भले ही 14 इलेक्ट्रॉन है पर ये बना एनओ से है जो कि 15 से 20 के केस से होगा जैसा कॉन्फ़िगरेशन ये चलना चाहिए। क्लियर है? तो बस यही सारी बातें थी जो हमको पढ़नी थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। सारे कंसेप्ट हमने आपके कवर किए। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।